वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं सात इम्पोर्टेंट आधार, जिनके आधार पे यहां पे अगर कोई भी एक्स पार्टी डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, यहां पे एक्स पार्टी डाइवोर्स लेना चाहते हैं, यहां पे दूसरी पार्टी एग्री नहीं है डाइवोर्स के लिए, और यहां पे कोई भी पति या पत्नी कोई भी एक्स पार्टी डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो डाइवोर्स का केस कैसे जीत सकते हैं, उनको आसानी से डाइवोर्स कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस, वो पर्सनल पॉइंट जो मैं ऐसे केस के अंदर यूज करता हूँ, वो पॉइंट यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अगर मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तलाक का केस जीतने के लिए, डाइवोर्स का केस जीतने के लिए सात इम्पोर्टेंट कानूनी तरीके, सात इम्पोर्टेंट कानूनी आधार बता देता हूँ कि वो कौन कौन से आधार है। अब यहाँ पे बता दूँ कि दोनों के बीच में डाइवोर्स लेने की नौबत कब आती है, जब कोई घटना होती है, यहाँ पे एक की विशेष तौर पे गलती होती है, तो यहाँ पे उसकी गलतियों के एविडेंस इकट्ठे करने हैं, उस गलती के आधार पे ही यहाँ पे वो सात इम्पोर्टेंट तरीके अपनाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका तो ये आता है कि जिसने गलती की है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवानी है, पुलिस कंप्लेंट करनी है, और वो कंप्लेंट करनी है वकील साहब के माध्यम से। तो सबसे पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका ये आता है कि जो अगर दोनों के बीच में मतलब वो घटना हुई है, यहाँ पे एक की गलती है, तो यहाँ पे उसकी गलती की जो भी डेट और टाइम है कि कब उसने गलती की है, या फिर कब उसने ऐसा कुछ व्यवहार वगैरह किया है, या फिर कब उसने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है, तो उस घटना का डेट है ना, टाइम और मंथ यहाँ पे उस कंप्लेंट के अंदर लिखवाना है, और वो पैलेस भी लिखवाना है जहाँ पे उसने इस घटना को अंजाम दिया है या फिर उसने इस तरीके का व्यवहार किया है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये आता है कि अगर वो घटना हुई है, कोई भी बात हुई है, या फिर मारपीट हो गई है, यहाँ पे उसने मारपीट वगैरह की है, तो उस मारपीट की मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है, यहाँ पे कोई भी चोट वगैरह आई है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनानी है, या फिर कोई हल्की फुल्की चोट आई है तो उसकी मेडिसिन की पर्ची वगैरह है तो वो बनवानी है, और उसको वहाँ पे सबमिट करना है कंप्लेंट के साथ में। तो तीसरा तरीका ये आता है। चौथा तरीका ये आता है कि जो भी वो एक्टिविटी करता है, सामने वाला पर्सन या यहाँ पे पति हो या फिर पत्नी हो, तो यहाँ पे जो भी वो व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है या फिर कर रही है, तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी है, उसके जो भी एविडेंस हैं, जो भी एविडेंस बनते हैं, वो एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट कर लेने हैं, चाहे वहाँ पे वो दूर भी है तो दूर भी उससे किसी भी तरीके से बात करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि उसकी गलती यहाँ पे उस बात के अंदर सामने आ जाए। तो इस तरीके से उसके एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट करने हैं। तो चार तरीके ये हो गए। पांचवा तरीका आता है कि आस पड़ोस की गवाह तैयार करने हैं, जो भी उस घटना को देखते हैं, जो भी उनके व्यवहार को देखते हैं, तो यहाँ पे उसकी गलती को बताएं, ऐसे गवाह यहाँ पे तैयार करने हैं। तो यहाँ पे पांचवा तरीका ये आ गया। छठा तरीका ये आता है कि यहाँ पे उसकी कॉल डिटेल निकलवानी है कि वो किससे बात करता है या फिर किससे बात करती है, यहाँ पे उसकी कॉल डिटेल निकलवानी है। कोर्ट में CRPC 91 का एक एप्लीकेशन लगता है, उस एप्लीकेशन के आधार पे उसकी कॉल डिटेल निकल जाएगी, यहाँ पे उसका कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा 91 CRPC के तहत, और उस ऑर्डर के तहत उसकी 1 साल तक की कॉल डिटेल निकल सकती है। तो उसकी कॉल डिटेल को पता करके और यहाँ पे उसको कोर्ट में पेश करके ये छठवां आधार बनता है। तो इस आधार से भी ये डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। अब सातवां आधार इसमें यह आता है कि उसकी इनकम कितनी है, यहाँ पे अगर वो इनकम गलत लिखवाता है या फिर लिखवाती है,
भी जरिए से उसकी इनकम का एविडेंस वो लेके आ जाते हैं, कोर्ट के अंदर पेश कर देते हैं कि इसने गलत इनकम यहाँ पे शो की है और रियल में इसकी इनकम इतनी है, तो उसको वहाँ पे शो करके भी डाइवोर्स केस आसानी से जीता जा सकता है। तो यहाँ पे पूरे 7 जो भी इम्पोर्टेंट कानूनी तरीके हैं वो समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से डाइवोर्स का केस जीत सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।